जय हिंद सारे भाइयों को। देखिए भाइयों, ये जो ट्रेड क्वेश्चन है ना, आज तक कोई भी यूट्यूब में नहीं बोला है, ठीक है। जो डिपार्टमेंटल बंदे हैं वही जानकारी ले सकता है, ठीक है। तो मैं आप लोग बता देना चाहता हूँ, ये जो ट्रेड क्वेश्चन है कुकी और वाटर के, इसको मस्ट पूछा जाता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, पहले जो है 10-15 साल तक जो है, अभी ट्रेड टेस्ट जो चलता है ट्रेड्समैन की, चपाती बनाना चलता है, कभी प्याज काटना, आलू काटना, बर्तन धोना, ये चीज़ का। पर आजकल क्या है ना, लड़के बहुत ज़्यादा होने लगे, ठीक है। कोई भी भर्ती बहुत ज़्यादा होने लगे, जिसके वजह से क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग कर दिया गया है। तो उसी के लेवल की क्वेश्चन, उसी में ही क्वेश्चन है, ठीक है। कुक के अंदर क्वेश्चन छुपा है और वाटर कैरियर के अंदर क्वेश्चन छुपा है, तो वो क्वेश्चन को निकाल के डिपार्टमेंटल आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जिसके वजह से बहुत सारे भाइयों ने ट्रेड टेस्ट में फेल हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आपका डिपार्टमेंट है पर आप लोग को बिल्कुल दिमाग में पजल कर लेगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूँ वीडियो, ठीक है। इस वीडियो को बिल्कुल भाइयों बोलता हूँ, लास्ट तक जरूर देखना। और इस वीडियो को देखेंगे ना, कोई भी भाई बिल्कुल भी ट्रेड टेस्ट में नहीं फेल होगा। मैं बोल रहा हूँ, कोई भी भाई बिल्कुल ट्रेड टेस्ट में नहीं फेल होगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो वो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ बीएसएफ ट्रेड्समैन की जो कुक और वाटर कैरियर की ट्रेड क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, उसके संबंधित मैं आप लोग को बताऊंगा। ये पार्ट वन है, इसके और भी वीडियो आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं और एक बता देना चाहता हूँ, इसमें जो डॉक्यूमेंट की बात, मेरे को बहुत सारे भाइयों ने कमेंट में पूछे थे डॉक्यूमेंट क्या क्या लेना पड़ेगा। देखिए, आप लोग को सारे डॉक्यूमेंट का जेरोक्स लेना है, उसमें सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, आपकी सेल्फ अटेस्टेड करना है, खुद की साइन करना चाहिए, एक फोटो बियरिंग एड्रेस, जैसे मतलब आधार कार्ड पैन कार्ड, उसमें से और ड्राइविंग लाइसेंस एक लेने जाना है, ठीक है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का भी जेरोक्स कर लेना है, आप उसमें आपको साइन रखना है, कहाँ पे, जो जेरोक्स में, ठीक है। सबके जेरोक्स लेना है, ओरिजिनल कुछ भी नहीं देना है, ओरिजिनल दिखाना है, फिर लेके आ जाना, ठीक है दोस्तों। चले दोस्तों, हमारा वीडियो शुरू करते हैं, जय हिंद। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हमारा जो खाना बनता है उसमें कई प्रकार की मशीन लगता है। देखिए, ग्राइंडर भी लगता है, ठीक है, चपाती बनाने वाला मशीन भी चलता है, जो बड़ा बड़ा मेस चलता है, ठीक है, जो सीआरपी बीएसए पैरामिलिट्री फोर्सेस में जो बड़ा बड़ा जो मेस चलता है उसमें ग्राइंडर लगता है, चपाती मेकर चलता है, चपाती बनाने वाला मशीन चलता है, गैस रहता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े मशीन रहता है, उसके संबंधित आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिल्कुल पक्का आप पूछा जाए। तो आज मैं बताऊंगा आप लोगों को एलपीजी के बारे में, हमारा जो एलपीजी गैस जो है, हमारा जो गैस है, जो गैस की संबंधित आप लोग को कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, उसमें क्या है। देखिए दोस्तों, आपको प्रैक्टिकल करना है और ट्रेड क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, उसमें आप लोगों को मार्क चढ़ेगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले जो आप लोगों को प्रैक्टिकल क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकल में पूछा जाएगा, आपको गैस लगाना आना चाहिए, ठीक है। तो गैस को बंद करना चाहिए, ठीक है। गैस को जो है रेगुलेटर वगैरह कैसे खोलते हो, यदि गैस लीकेज होता है तो क्या करें, उसकी संबंधित आप लोग को पूछा जाएगा, वो आपको भी करना भी है, ठीक है। तो उसके साथ भी आप लोगों को बताऊँ, गैस लगाना लाइटर की मदद से, और गैस कैसे यदि बुझ जाता है उसको कैसे लगाना है, ठीक है। फिर गैस को कैसे लगाना है उसकी संबंधित आप लोगों को बता जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी आप लोगों को इसके संबंधित कुछ क्वेश्चन बता दूंगा, वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही वीडियो आता रहेगा। जो भाई ये ट्रेड की क्वेश्चन सारे ये वीडियो देख लेंगे ना, अभी ट्रेड की वीडियो देख लेंगे ना क्वेश्चन का, तो वो बिल्कुल 100% ट्रेड टेस्ट में पास हो जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं, जय हिंद। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है, इसको कौन सी गैस सिलेंडर कहा जाता है, इसको एलपीजी गैस सिलेंडर या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद इसी गैस सिलेंडर का वजन कितना होता है, इसका गैस खाली मतलब खाली गैस सिलेंडर का वजन कितना होता है, 15.2 kg होता है, ठीक है, इसको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, एक भरा हुआ गैस सिलेंडर का वजन कितना होता है, ठीक है, 29.4 kg होता है, ठीक है। तो 14.2 गैस सिलेंडर जो होता है, तो उसका ऊंचाई कितना होता है, 825 mm या 32 इंच का इसका ऊंचाई रहता है, ठीक है। तो दोस्तों, एलपीजी गैस सिलेंडर में जो है रेगुलेटर का काम क्या करता है, ठीक है, रेगुलेटर का काम क्या रहता है, सिलेंडर से चूल्हा तक ईंधन के एक विशिष्ट प्रभाव की अनुमति देता है, ठीक है। प्रभाव की दर और दबाव मतलब कम करना और बेसी करना रेगुलेटर की काम करता है, वो संचालन करता है, ठीक है, ये बड़ी चीज़ है। और रेगुलेटर को आपको लगाने के लिए आप लोग को प्रैक्टिकल में बोला जाएगा, ठीक है, आपको रेगुलेटर को लगाना आना चाहिए गैस सिलेंडर में, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एलपीजी गैस लीकेज से कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। सबसे पहले क्या है, वेंटिलेशन के लिए दरवाज़ा खिड़कियाँ खोल दे, ठीक है। एलपीजी हवा जो है गैस वो चला जाता है बाहर, नहीं तो अंदर जम जाता है, ठीक है। और दरवाज़ा खोलना पहला कदम होना चाहिए, ठीक है, ये आप लोग को बताना है, ये बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लपेटे दिए अगरबत्ती आदि बुझा दे, सेफ्टी कैप, ठीक है, जो सेफ्टी कैप रहता है, और वापस सिलेंडर पर रख दीजिए, ठीक है, जो सेफ्टी कैप है, जो रेगुलेटर, और रेगुलेटर और बर्नर नॉब्स सब कुछ बंद कर दीजिए, रेगुलेटर का नॉब्स जो स्विच और बर्नर का स्विच बंद कर दे, ठीक है। किचन में बिजली का कोई भी स्विच उपकरण या उपकरण ना चलाए, बिजली की आपूर्ति को बाहरी स्रोत से अलग करें, ठीक है। किचन में कोई भी बिजली की स्विच बिल्कुल ना जलाए और बिजली की आपूर्ति के लिए बाहरी स्रोत से अलग करें, मतलब बिजली की जो है बिल्कुल मेन स्विच वगैरह सब कुछ बंद कर लीजिए।
सिलेंडर को एक खुली जगह से अलग करने की कोशिश करो और एक गीले कपड़े से उसको ढक दीजिए, ठीक है। यह है लास्ट इसका काम है। इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ काम है, ठीक है। इमरजेंसी के लिए आपको किसी को भी कॉल करना है, ठीक है। इमरजेंसी में फायर ब्रिगेड वगैरह उसको भी कॉल करना है और फायर एक्सटिंग्विश वगैरह भी बंद करना है, ठीक है। पर मेन चीज यही है, ठीक है। लास्ट प्रश्न है, एलपीजी का रासायनिक मिश्रण किस प्रकार का होता है, ठीक है। एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, ठीक है, जो है गैस जलता है, ठीक है। और एथाइल मर्कप्टेन जो रहता है वो सुरक्षा के लिए, जो गैस बदबू मारता है ना वो पकड़ मतलब मालूम पड़ जाता है कि एथाइल मर्कप्टेन गैस मिलाने के कारण जो मालूम पड़ जाता है कि गैस लीकेज हो रहा है, ठीक है। बहुत बुरी तरह बदबू मारता है, बहुत दूर तक फैला हुआ जाता है, जिसकी वजह से हादसा से बचाव हो जाता है, ठीक है दोस्तों। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आशा करता हूं वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भारी मात्रा में शेयर कीजिए, ठीक है।